फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग की है, अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है, जैसे इस तरह से ये टक्स लगाए हैं, ये हमारे फ्रंट साइड के पार्ट है और ये हमारी बैक साइड है, ये हमारे स्लीव्स हैं। इस तरह से ये ब्लाउज़ की स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स को हमने कट किया था। और ये हमारे बेल्ट, जैसे ये फ्रंट साइड में यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी ये दोनों साइड के दोनों बेल्ट हैं। तब इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें फ्रंट साइड जो है, यहाँ पे हमें टक्स जो है ये टक्स लगाने हैं। तो ये जो टक्स होता है ये मेन टक्स होता है, यानी कि ये ज़्यादा होता है, और ये जो तीनों टक्स है ये हमारे क्वार्टर इंच के टक्स होते हैं। तब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। पहले हम टक्स लगाएंगे, जैसे ये जो मेन टक्स हैं, पहले हम मेन टक्स लगाते हैं। यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है, ये दोनों साइड के निशान एकदम बराबर आना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे हमें ये सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें ये टक्स लगाया है। जैसे यहाँ पे हमने ये जो टक्स लगाया है, दूसरा टक्स हम इस तरह लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टक्स होता है ये मेन टक्स ज़्यादा होता है, और ये जो होते हैं ये हमारे क्वार्टर इंच के होते हैं। तो ये हमें क्वार्टर इंच के ही टक्स लगाने हैं। अब यहाँ पे हमें ये तीसरा आर्मोल में है वो तीसरा टक्स लगाना है। और ये जो चौथा टक्स है उसको हमें ये हुक और आई की पट्टी होती है इस साइड में लगाना है। एक साइड के टक्स हमने इस तरह से लगाए हैं, अब दूसरे साइड के टक्स भी हम लगाते हैं। पहले हम ये जो मेन टक्स है वो लगाते हैं। दूसरा ये फिटिंग के साइड का जो टक्स है वो क्वार्टर इंच का होता है वो लगाएंगे। अब ये तीसरा जो टक्स है ये आर्मोल का टक्स है, अब ये जो चौथा टक्स है ये हमारा हुक और आई पट्टी जो होती है इस साइड का, ये चौथा टक्स है। इस तरह से हमने ये दूसरे साइड के जो टक्स थे वो भी लगाए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे टक्स आते हैं। अब नीचे के साइड में जो बेल्ट हमने तैयार किया था, ये हमारा बेल्ट है, जैसे
इस साइड में लिया था मैंने 3/2 इंच और दूसरे साइड में लिया था मैंने 2.5 इंच। जो 3.5 इंच का है उसे हम जो गले के साइड में लगाते हैं, यहाँ पे हम गले के साइड में इसको ज्वाइन करेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी जो है उसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये बेल्ट को ज्वाइन किया है। दूसरे साइड का जो बेल्ट है उसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको हम कट करेंगे और यहाँ पे हमने ये नीचे के साइड में जो बेल्ट था इसको हमने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हमने जो बेल्ट ज्वाइन किया है इसके नीचे हमें ये पट्टी लगानी है। आप चाहे तो डबल भी ये बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा कम होने के कारण मैंने ये बेल्ट एक ही कट किया है और अंदर के साइड में ये जो हमने 1.5 इंच की पट्टी निकाली है ये हम इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से सीधी पट्टी लगानी है। पट्टी को हमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। पट्टी को हमें इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके इसके ऊपर हम पहले सिलाई लगाएंगे। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। जैसे आपको सिलाई नहीं दिखनी चाहिए तो आप इसके ऊपर तुरपाई भी करके ये सिलाई यहाँ से नहीं दिखाई देती, लेकिन इसके ऊपर हमें पहले रफ सिलाई लगानी पड़ती है। रफ सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे और ये जो रफ सिलाई होती है उसको हम खोल देंगे। इस तरह से हमने एक साइड में बेल्ट के लिए अंदर के साइड में इसको पट्टी फोल्ड किए हैं। अब दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से यहाँ पे हम पट्टी लगाते हैं। अब दोनों साइड के हमने जो पट्टियाँ थी वो हमने ज्वाइन की है। अब यहाँ पे हम हुक और आई की पट्टी लगाते हैं, तो यहाँ पे हम आई की पट्टी इस तरह से लगाएंगे। जैसे पट्टी को हम डबल कर लेते हैं
डबल करने के बाद आधा इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ऊपर के साइड में और यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये जो पट्टी है इसको हम उल्टे साइड में लगा रहे हैं और सीधे साइड में हम इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको उल्टी साइड में लगाते हैं। एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट करेंगे। यहाँ पे हमने ये उल्टे साइड में ये पट्टी ज्वाइन की है। अब इसको हमें इस तरह से इसको निकालना है और सीधे साइड लेके यहाँ पे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जैसे ये जो सिलाई हमने लगाई है पहले, ये सिलाई के ऊपर ये पट्टी आनी चाहिए और यहाँ पे किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो पट्टी है ऊपर के साइड में उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से ये पट्टी लगाई है। अब दूसरी जो पट्टी है इसे हमें सीधी साइड में लगानी है। पहले हम सीधी साइड लेंगे, अंदर के साइड में इसको हम फोल्ड करेंगे आधा इंच और यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई लगाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हमें इसको निकालना है और आधा इंच हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा जो है उसको हमने कट किया है। अब ये जो पट्टी हमने सीधे साइड में लगाई थी इसको हम उल्टे साइड में अंदर के साइड में इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसके बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो अंदर के साइड में आप तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी हुक आएंगी। इस तरह से हमने ये दोनों साइड के पट्टियाँ को भी ज्वाइन किया है। दोनों पट्टियाँ हमने ज्वाइन किया है। अब बैक साइड जो है ये जो शोल्डर है शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें ये जो है ये हमारी सीधी साइड है, ये बैक साइड जो है ये हमारी सीधी साइड है और ये फ्रंट साइड जो है ये हमारी उल्टी साइड है। ये दोनों साइड उल्टी रख के जैसे अंदर के साइड में दोनों सीधी आनी चाहिए और शोल्डर को हम ज्वाइन करेंगे। दूसरे साइड का शोल्डर जो है उसको भी हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है।
अब ये हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है। अब ये जो बैक साइड है, बैक साइड हमने लंबाई से 1.5 इंच ज़्यादा ली थी क्योंकि हमें बैक साइड में इस तरह से फोल्ड करना होता है, लेकिन हमें पहले बैक साइड के टक्स लगाने हैं, जो बैक साइड की प्लेटें होती हैं वो लगाने हैं। तो इसको हम शोल्डर का सेंटर निकालते हैं। शोल्डर का सेंटर निकाल के इस तरह से हम यहाँ पे हम 4.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच तक लंबाई ज़्यादा होगी तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच लिया है। इस तरह से हमने एक साइड का टक्स लगाया है। अब दूसरे साइड की प्लेट भी है, वो भी इसी तरह से लगाएंगे। जैसे हम शोल्डर का सेंटर निकालते हैं, सेंटर निकालने के बाद हमें 4.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। साढ़े चार इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ तक हम ये प्लेट डालते हैं। इस तरह से हमने ये प्लेटें डाली हैं। अब यहाँ पे जो बैक साइड का पार्ट है, इसको हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं, क्योंकि ये अलग पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया था पट्टी को फोल्ड करने के लिए। इस तरह से हमने ये पट्टी को फोल्ड किया है। ये जो पूरा मेन पार्ट था, ये हमने आपको सिल के दिखाया है। जैसे इस साइड में जो फ्रंट साइड के टक्स होते हैं, ये बेल्ट कैसे लगाने हैं, और हुक और आई की पट्टी भी कैसे ज्वाइन करनी है, और शोल्डर कैसे अटैच करने हैं। तो यहाँ पे हमारा बाकी क्या काम है, जैसे ये जो स्लीव्स है, क्योंकि ये स्लीव्स वगैरह पूरा लगाएंगे तो इसमें ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए स्लीव्स का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो इसको स्लीव्स कैसे लगाने हैं, तो स्लीव्स लगाना है और फिटिंग का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, पाइपिंग का भी किया है। तो ये जो था, तो ये मैंने आपको बेल्ट ब्लाउज जो है उसकी स्टिचिंग मैंने आपको दिखाई है। तो अब यहाँ पे आपको स्लीव्स को ज्वाइंट करना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है और गले पे के ऊपर पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिल के जो मेन पार्ट था, ये सिल के मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो वीडियो मैंने अपलोड की है स्लीव्स का, ब्लाउज़ की फिटिंग का और पाइपिंग का, ये आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।